देखिए बच्चों, अब हम 2019 में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक से 2019 में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2019 में तीन क्वेश्चन आए आपके। देखो पहला क्वेश्चन 2019 में आए हुए, टू पॉइंट चार्जर ए एंड बी हैविंग चार्जर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एम, 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, देन फोर्स बिटवीन चार्जेस बिकम्स। इसमें पहले कोई दो स्फीयर है कंडक्टिंग, इस पर क्यू, इस पर माइनस क्यू, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको लिखिए, तो के क्यू क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस आर भी रखिए, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वो सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो हमने इसको आर डिस्टेंस पर अपना मान लिया, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब 25% मतलब क्यू बाई फोर लेफ्ट से राइट स्क्वायर पर ट्रांसफर कर दिया, तो 25% इसमें से डिक्रीज हो जाएगा। 25% कितना होता है क्यू बाई फोर, तो क्यू में से क्यू बाई फोर माइनस हो जाएगा तो थ्री क्यू बाई फोर बचेगा। अच्छा, क्यू बाई फोर जो पॉजिटिव इसमें से निकाल के इस नेगेटिव वाले पर रख दिया, माइनस क्यू पर प्लस क्यू बाई फोर लेफ्ट से आ गया, तो इधर कितना बचेगा माइनस का, फोर एल सी एम माइनस फोर क्यू प्लस क्यू माइनस थ्री क्यू बाई फोर, तो लेफ्ट स्क्वेयर पर भी 3q/4 पॉजिटिव और राइट स्क्वेयर पे भी माइनस 3q/4 नेगेटिव, और उसी डिस्टेंस पर रखे हुए आर पर ही, तो न्यू फोर्स एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के q1 q2 q1 3q/4 है, q2 भी 3q/4 है, मेन टूल ले रहे हैं हम केवल, तो 3 3 9 4 4 16 9/16 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। पहले वाला फोर्स ये के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को एफ माना हुआ है, यहाँ एफ पुट कर देते हैं, तो 9/16 एफ। तो बताओ अब जो न्यू फोर्स है वो पहले वाले फोर्स का कितना टाइम्स है, 19/16 टाइम्स है, तो 19/16 टाइम्स कौन से ऑप्शन में गिवन है, चौथे ऑप्शन में गिवन है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद 2019 में आया हुआ सेकंड क्वेश्चन, ये होलो मेटेलिक स्फीयर रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, ये होलो मेटेलिक स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। अब ऑप्शन क्या है अपने पास, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, जीरो रहेगा, इस तरीके से ऑप्शन है ना। तो अंदर के किसी भी पॉइंट के लिए, जैसे अंदर पॉइंट हम यहाँ पे मान लेते हैं स्मॉल आर पर, तो जब तक स्मॉल आर लेस देन रहेगा कैपिटल आर से, तो अंदर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, और सरफेस पॉइंट पर, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर रहेगा, और आउटसाइड के किसी भी पॉइंट पर, जैसे आउटसाइड हम स्मॉल आर डिस्टेंस पर जहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर रहेगा, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², तो आउटसाइड पॉइंट पर डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होगा, डिस्टेंस के साथ क्या होगा डिक्रीज, तो आउटसाइड पॉइंट पर डिक्रीज रहेगा, इनसाइड पॉइंट पर जीरो रहेगा, सरफेस पॉइंट पर ये फिक्स रहता ही है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अपना कौन सा सही हो जाएगा बोलिए। फर्स्ट ऑप्शन में जीरो एज आर इंक्रीजेज, फोर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर,
increases as r increases for small r greater than capital R. अच्छा फर्स्ट ऑप्शन में बाहर के लिए भी इंक्रीज बोल दिया और अंदर के लिए भी इंक्रीज बोल दिया, अंदर तो जीरो रहेगा है ना, फर्स्ट ऑप्शन में अंदर के लिए जीरो बोला है बाहर के लिए इंक्रीज बोला है, तो बाहर के लिए इंक्रीज ही होगा, बाहर के लिए तो आर बढ़ने पर डिक्रीज होगा, तो अंदर जीरो और बाहर डिक्रीज होना किस में लिखा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है जीरो, स्मॉल आर जब कैपिटल आर से लेस देन है तब तो जीरो और स्मॉल आर कैपिटल आर से ग्रेटर देन है तब डिक्रीज होना फोर्थ में लिखा हुआ है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा है ना, आंसर फोर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जर्स लीनियर चार्जर्स डेंसिटी लैम्डा और दूसरे की माइनस लैम्डा दोनों का बीच का सेपरेशन है 2r, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जर्स। देखिए अनदर क्वेश्चन क्या है, दो पैरेलल वायर हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हैं, एक का प्लस एक का माइनस चार्ज है, इसका प्लस लैम्डा है इसका माइनस लैम्डा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2r, तो मिड पॉइंट की रहेगी r। अब इस मिड पॉइंट वाले पर इस वायर की वजह से पॉजिटिव वायर की वजह से अभी फ्रॉम चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव की वायर की वजह से 2r से चार्ज होगा, तो दोनों का फील्ड मिड पॉइंट पर सेम डायरेक्शन होगा तो नेट फील्ड एडिशन होकर आ जाएगा, दोनों का एडिशन होगा E1 प्लस E2, फर्स्ट वाले की वजह से कितना 2 के लैम्डा अपॉन आर, सेकंड वाले की वजह से भी 2 के लैम्डा अपॉन आर, तो ये 4 के लैम्डा अपॉन आर आ गया है ना, E1 E2 इक्वल होंगे क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है लैम्डा भी इक्वल है, जब k की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1/4πε0 लैम्डा अपॉन आर, 4 से 4 कट लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये नेट फील्ड आ जाएगा, ये नेट फील्ड किस में दिया हुआ है, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये नेट फील्ड दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों आंसर फर्स्ट हो जाएगा सही। इसके बाद हम 2020 में IU क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड।